जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को बारह बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो चार थन होते हैं, उन चार थन में से जो आगे के थन होते हैं, दो पीछे की ओर होते हैं, दो आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के दो थन हैं, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए, और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के दो थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य कर लेगा। देसी गाय के आगे के दो थन का दूध बड़ा प्रबल होता है, पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहां पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज रोग बीमारी में प्रबलता, तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है, स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था, कब, जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो, जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। हो सकेगा तो कल की कथा में मंथन के लिए जो समय स्कंद पुराण में कहा गया कि ये समय में चंद्र प्रबल होगा, उस चंद्र की प्रबलता में मंथन का कार्य प्रारंभ करा जाए, देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें। कल की कथा में वो पल, वो समय भी बताएंगे कि स्कंद पुराण में ये जगह पर ये चीज लिखी है। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चंद्र प्रबल हो तब हो? क्यों भीष्म पितामह इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तब जाऊं? जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा, और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे, तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़े, हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़े? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए, कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है,